चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं हमारा कंपेरेटिव टू पॉजिटिव के टाइप टू के बारे में। टाइप टू में हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है ही इज बेटर देन आई। यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो कंपेरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं। यहाँ पे हमें पता कैसे लगा गाइस कि कंपेरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं? तो यहाँ पे ये देखिएगा, ईआर आया हुआ है और सर देन दिया हुआ है। एग्जाम में हमसे कहा गया कि क्या करिए गाइज, इसको कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव इसको बनाइए। तो यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टाइप वन में मेरे बताया हुआ है कि जब भी एग्जाम में हमसे कहे कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाइए या हमसे कहे कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाइए, तो गाइज हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको उठा कर लाना है, और अगर ऊपर सेंटेंस में नोट नहीं है तो जो बना रहे हैं उसमें नोट आएगा, अगर ऊपर सेंटेंस में नोट है तो जो बना रहे हैं उसमें नोट नहीं आएगा। चलिए अब मैं यहाँ बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ मैं आपको गाइस एक सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ, बाकी सारे मैं बोलकर बताऊंगा, तो ध्यान से जरा वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब गाइस देखिए, सब्जेक्ट के बाद नंबर आता है हमारा टेंस का। तो यहाँ पे गाइस सी के हिसाब से इज है, तो यहाँ पे मैंने आई के हिसाब से एम लगा दिया। अब देखिए ऊपर नोट नहीं है तो नीचे नोट आएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। अब नंबर आता है हमारा डिग्री वाले शब्दों का। तो गाइस यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि बेटर का पॉजिटिव में गुड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेटर का गुड किया और बेटर का सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है। चलिए अब मैंने क्या किया यहाँ पे, आई एम नॉट। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, टेंस लिखा। टेंस के तुरंत बाद गाइस हम क्या करते हैं, डिग्री वाले शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव में जो डिग्री वाले शब्द होते हैं वो गाइस एज एज या सो एज यूज होते हैं। तो एज एज कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस में नॉट या नो या नेवर नहीं आया हुआ है, और अगर आया हुआ है तो नॉट एज नेवर आने पर हम सो एज का यूज करते हैं, और अगर नॉट नॉट नेवर नो अगर नहीं आया तो हम एज एस का यूज करते हैं। तो गाइज यहां पे देखिएगा, सर नॉट आया है तो हम सो एस का यूज करेंगे, सो एडजेक्टिव फिर एस। अब हमें क्या करना है, ये हमारा बचा हुआ है इसको सिंपली यहां पे लिख देना है। चलिए मैं नंबर टू मेरा सेंटेंस और आपको करके बताता हूं। तो यहां पे हमने देखा गाइज, दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, एक ये और दूसरा ये। सबसे पहले क्या करना होता है, इस सब्जेक्ट को हमें यहां पे लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद टेंस आता है गाइस, तो यू के हिसाब से यहाँ पे आर था तो सी के हिसाब से इज लगाया। ऊपर गाइस नॉट है तो नीचे नहीं आएगा। अब नंबर आता है हमारा डिग्री वाले शब्दों का। तो यहाँ पे हमें डिग्री में एज एज यूज करना है पॉजिटिव में, क्योंकि नॉट नहीं है। तो गाइस मैं लिखता हूं एज एडजेक्टिव, क्लेवर, फिर एज। अब क्या बचा गाइस, ये वाला हमारा सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कर दिया यहाँ पे ले जाके कॉपी। चलिए अब मैं आता हूं नंबर मेरे थर्ड पर। नंबर थर्ड है दिल्ली इज हॉटर देन शिमला। हमसे एग्जाम में कहा गया गाइस इसको क्या करिए, पॉजिटिव डिग्री बनाइए। फिलहाल जो दिया हुआ है ये कंपेरेटिव डिग्री में है, क्योंकि इसमें ईआर और देन गाइस आया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे गाइस, ये जो शिमला लिखा हुआ है उसको उठाकर वहां ले जाएंगे। तो जरा इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा, शिमला इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। चलिए अब मैं आता हूं नंबर मेरे फोर पर। नंबर फोर है गाइस, रोशनी इज वाइजर देन रोहन। एग्जाम में हमसे कहा गया कि क्या करिए, इसको पॉजिटिव डिग्री बनाइए। फिलहाल जो है ये कंपेरेटिव डिग्री में है, क्योंकि गाइस इसमें ईआर और देन दिया हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको उठाकर लाना है, तो यहाँ पे हम रोहन लिख देंगे गाइस। तो रोहन के हिसाब से इज आएगा, ऊपर नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री हम गाइस बना रहे हैं तो नोट आ गया है, तो सो एज का यूज होगा, तो सो बाइज एज, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली रोशनी को ले आकर लिख देंगे। चलिए गाइस इसका आंसर सुनिएगा, रोहन इज नॉट सो बाइज एज रोशनी। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरे नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, शी इज फैटर देन यू। हमसे एग्जाम में कहा गया कि क्या करिए, इसको पॉजिटिव डिग्री बनाइए। फिलहाल जो है ये कंपेरेटिव डिग्री में दिया हुआ है। चलिए गाइस इसका आंसर सुनिएगा, यू आर नॉट
सो फैट एज शी। चलिए अब मैं आता हूं गाइस नंबर मेरे नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, ही इज मोर हैंडसम देन यू। अभी जो फिलहाल ये दिया हुआ है गाइस, ये कंपेरेटिव में है, मोर और देन इसमें आया हुआ है। एग्जाम में इन्होंने हमसे कहा कि क्या करिए, सेंटेंस को बनाइए पॉजिटिव डिग्री। तो हमने यहां पर देखा कि ये कंपेरेटिव है, पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको उठाकर यहाँ पर लाना है। तो यू को लाए तो यू के हिसाब से आर किया, नॉट नहीं है तो नॉट आया, नॉट के बाद पॉजिटिव डिग्री है, सो एज का यूज होगा, तो सो हैंडसम एज ही। चलिए गाइज इसका एक बार दोबारा आंसर सुनिएगा, यू आर नॉट सो हैंडसम एज ही। चलिए तो अब मैं यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, कंपेरेटिव से पॉजिटिव का पार्ट टू कंप्लीट किया। तो यहाँ पे जो एक डिफिकल्टी आती है गाइस वो ये आती है कि सर हमें ये पता कैसे लगे कि कौन से शब्दों के साथ हमें मोर लगाना है और कौन से शब्दों के साथ हमें ई आर का यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव लिए हुए हैं जो अगर कंपेरेटिव में आएंगे तो हमें ध्यान रखना है उनके साथ हमें मोर का यूज करना है। और जब ये पता लग गया कि मोर यूज हुआ है इन वर्ड्स के साथ, तो सुपरलेटिव में सिंपली पता है हमें कि हम क्या करेंगे, द मोस्ट कर देंगे। तो ये वर्ड्स है, मैं वन बाई वन इनको पढ़ता हूँ, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे हमारा पहला वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के साथ जो हम यूज करते हैं कंपेरेटिव में गाइज वो मोर करते हैं, इसमें ई आर नहीं लगता है। नंबर टू आ जाता है हमारा हैंडसम, हैंडसम के साथ मोर आता है, हैंडसमर नहीं करते। इसी तरह से सिंपली नंबर थर्ड पर इंटेलिजेंट दिया हुआ है, इंटेलिजेंट के साथ गाइस हम मोर का यूज करते हैं, मोर इंटेलिजेंट, हम यहाँ पे इंटेलिजेंटर नहीं करते हैं। अब भी खुद भी देखिएगा इंटेलिजेंटर हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब आता है हमारा नंबर फोर, नंबर फोर अगली, अगलियर, नो, मोर अगली होता है। इसी तरह से नंबर फाइव पॉपुलर, नहीं, पॉपुलर क्या होता है, ये मोर पॉपुलर। नंबर सिक्स मोर फेमस, नंबर सेवन फेरोसियस, फेरोसियस होता है खतरनाक, डरावना, जान खौफनाक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, मोर फेरोसियस करते हैं, फेरोसियसर नहीं करते हैं। इसी तरह से नंबर एट आ जाता है हमारा न्यूट्रिशियस, तो न्यूट्रिशियस के साथ हम मोर न्यूट्रिशियस करते हैं, ना कि न्यूट्रिशियसर, इस तरह से नहीं करते, अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट किया गाइस कंपेरेटिव टू पॉजिटिव का टाइप टू। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा बात करेंगे टाइप थ्री के बारे में, जो कि डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और बहुत अच्छे सेंटेंसेस में से एक सेंटेंसेस होते हैं।